तो ये हमारा कितना करेंसी बना है आप सुन के अंदाजा लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल का बड़ा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक कढ़ाई लिया है और उसमें हमने 1.5 कप चावल का आटा डाला है। तो 1 कप डालने के बाद हमने 1/2 कप और डाला है और 1 कप हमने दही डाला है जो कि मीडियम खट्टा है। तो अब ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद पानी डाल के हम थोड़ी सी नमक डाल देंगे आप स्वाद के हिसाब से। उसके बाद हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर हम ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो इसका बैटर आपको देखने से अंदाज़ा लग जाएगा। आप चाहे तो इसको हाथों के सहारे भी इसे मिला सकते हैं। तो बैटर कुछ इस प्रकार से रखना है कि इसे हमें पकाना है इसका बैटर तैयार करने के बाद। तो आप इसे थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे मिलाते रहेंगे। पानी ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके पानी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा इसका बैटर का टेक्सचर होना चाहिए। तो ये देखिए आपको पता चल गया होगा कि बैटर का जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। तो ये देखिए फाइनली हमारा बैटर तैयार है बनके। तब हम इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। तो चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आप इसे लगातार चलाते रहेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, फ्लेम को मीडियम से लो पे ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं हीट करेंगे फ्लेम को और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा ये नीचे कढ़ाई में ये चिपक जाएगा। तो इसीलिए आप हल्के हाथों से इसे चलाते रहेंगे, नीचे चिपकने ना पाए। तो ये देखिए हमारा बैटर जो है पक के कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ है। पकाने के बाद ये बैटर हमारा थोड़ा और गाढ़ा होगा ताकि इसे हम हाथों पर अच्छे से इसका शेप दे सके बड़ा का। तो ये देखिए फाइनली हमारा बैटर पक के तैयार है। इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाला है, 2 चम्मच खड़ा जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के रखा है और कुछ हरी धनिया के पत्ते को हमने इसमें डाला है। तो एक साथ डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो सामग्री है इतना इसमें कंपलसरी है, इसको आप ज़रूर डालें, तभी उस टाइप का आपको फ्लेवर मिलेगा जो बड़ा में मिलता है फ्लेवर। तो आपको टेक्सचर देखने से लग गया होगा कि ये अब थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो ठंडा होने के बाद आप इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा मिल गया है। तो अब हम इसका शेप देंगे फ्रेंड्स। ठंडा इसलिए करेंगे ताकि शेप देने में हाथ जलने ना पाए। तो इधर हम तेल गर्म करने के लिए हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे और हाथों में सरसों तेल लगा लेंगे या कोई भी ऑयली ऑयल लगा लेंगे हम। उसके बाद फिर हाथों पे इस प्रकार से लेके कुछ इस प्रकार से करके इसे इसका शेप देंगे हम। आप हाथों में घुमाते हुए इस प्रकार से इसे बनाएंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों से या फिर एक हाथ के सहारे भी इसे बना सकते हैं और इस प्रकार से हल्का सा प्रेस करके इसे उंगली में तेल लगा के कुछ इस प्रकार से इसका शेप देंगे हम, जो कि ट्रेडिशनल वड़ा का शेप होता है। तो इसी करके बारी बारी से हम इसी प्रकार से हमारा तेल हीट हो गया है तो हम इसमें डालेंगे। तेल को हम ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, मीडियम गर्म तेल में हम इसे डालेंगे क्योंकि इसके बीच में भी पकना ज़रूरी है इसका। तो इसी प्रकार से सारे बड़े को हम शेप दे के इस प्रकार से बनाएंगे। आप शेप अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन ट्रेडिशनली जो वड़ा का शेप होता है कुछ इस प्रकार का ही होता है। तो तेल में डालने के बाद हम इसे बारी बारी से इसे पलटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। आपको देखने में जितना परेशानी लग रहा हो ना, बहुत ही आसान तरीके से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा इसका जो वड़ा अच्छे से पक गया है, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे।
तो ये देखिए फाइनली हमारा बड़ा बन के तैयार है, तो हम इसे निकाल लेंगे और इसके साथ हम हरी चटनी का सेवन करेंगे। तो उसके लिए हमने 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, कुछ धनिया पत्ते के टुकड़े और 2 हमने लहसुन के टुकड़े लिए हैं और सारे को हम पीसेंगे। मिर्ची इसमें ज़्यादा इसलिए हमने डाला है क्योंकि थोड़ी सी तीखा हरी धनिया की चटनी हम बना रहे हैं, तो इसे डालने के बाद इसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप चाहे तो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस चटनी में थोड़ी सी हमने नमक डाल के इसे फाइनली इसे ग्राइंड कर लिया है, तो फाइनली हमारा तैयार है। तो ये देखिए सर्व के लिए हमारा तैयार है। तो यह कितना करंची आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक लिए धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक लीजिए, जय भारत।